हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदन फ्रॉम डॉक्टर चंदन डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द वज डॉक्टर। वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज, जिसमें हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ओरल हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज डेंटिस्ट्री। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डेंट रिलेटेड इशू है और आप उससे डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सारी डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। एक टॉपिक है जिस पे मैं सबसे कम वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन टर्न्स आउट कि उस पर मुझे सबसे ज़्यादा वीडियो बनानी पड़ रही है बिकॉज ऑफ कमेंट्स जो मुझे आ रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो मेरे व्हाट्सएप पे हो। तो सबसे ज़्यादा लोग जो परेशान हैं वो उस बीमारी से हैं और बहुत ही कन्फ्यूज हैं लोग, कुछ लोग। तो मैं ट्राई करता हूँ कि उनकी जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट है, वो दूर कर पाऊँ, लेकिन वन ऑन वन बात कर पाना सबसे बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। आपको जैसा सूट करें आप ऐसे मुझसे बात कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आप सबकी मदद करने के लिए। टॉपिक ऑफ द डे इज रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग एंड इट्स नॉट OSMF, जस्ट रिड्यूस माउथ ओपनिंग। कि मुंह क्यों कम खुलता है, वाई बात करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुंह कम खुलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फर्स्ट कारण जो मैंने आज ही सुबह मैंने एक पेशेंट से बात की, तो वो है विस्डम टूथ इरप्शन। जब आपकी अकल दाढ़ आती है, तीसरा दाढ़ जो होती है लास्ट में होती है, नीचे भी होती है ऊपर भी होती है, 18 साल के बाद कभी भी आपको अकल जड़ जो है आपके इरप्ट हो सकती है। जब वो आती है, इनकेस वो टेढ़ी है या सीधी भी आ रही है, उस दौरान हफ्ता 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना आपको मुंह खोलने में दिक्कत हो सकती है या खाना खाने में भी दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए आप डेंटिस्ट से मिले, अपना एक एक्सरे करवाएं ताकि उन्हें पता चले कि जो आपका दांत आ रहा है वो सीधा आ रहा है या टेढ़ा आ रहा है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए विजडम टूथ के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप ऊपर जाके लिंक चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, पॉइंट नंबर टू इज एक्सट्रैक्शन ऑफ विजडम टूथ। जब हम अकल जाड़ को निकलवा देते हैं क्योंकि वो टेढ़ी है या वो दिक्कत कर रही है, वो केरियस की कुछ भी कारण है, तो वो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होती है, सर्जरी के थ्रू वो बाहर आती है। उस केस में डॉक्टर जो होता है वो एक्सट्रैक्शन साइट पे सूचस देता है, टांग के हिस्से हम कहते हैं हिंदी, तो वो 2-3-4 टांगे हो सकते हैं। इन दैट केस आपको मुंह खोलने में दिक्कत हो सकती है। हफ्ते बाद जब वो टांगे निकल जाते हैं, उसके बाद भी मुंह खोलने में दिक्कत हो सकती है, अबाउट अ मंथ, एक महीने तक आपको हो सकती है। उसके लिए आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करें, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो। पॉइंट नंबर थ्री इज रिड्यूस माउथ ओपनिंग बिकॉज ऑफ TMJ प्रॉब्लम्स। तो कुछ लोगों को TMJ प्रॉब्लम होती है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट प्रॉब्लम। मतलब ये जॉइंट है हमारा, जो हमें जॉइंट होता है, जो हमारा मैंडिबल है, हमारा ऊपर स्कल के साथ जुड़ता है जहाँ, उसको TMJ जॉइंट कहते हैं। तो वो मूवमेंट में काम करता है, खाना खाने में, चबाने में, हमारा मुंह खुलने में, ये सब उसका काम है। अगर मैंने TMJ में कोई प्रॉब्लम है तो भी हमें मुंह खोलने में दिक्कत आती है। सपोज हमें कभी एक्सीडेंट हुआ है, हमारा फ्रैक्चर हुआ है, मैंडिबल फ्रैक्चर हुआ है, तो उस केस में भी हमें मुंह खोलने में दिक्कत आती है। लास्ट, जो कुछ ओरल लीजन्स हैं या कंडीशंस हैं, जैसे OSMF में फाइब्रस बैंड बन जाते हैं गालों में, तो उसमें भी हमें मुंह खोलने में दिक्कत आ सकती है। माउथ ओपनिंग रिड्यूस होना एक बात है, उसका ट्रीटमेंट अलग। अब ट्रीटमेंट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी माउथ ओपनिंग जो है वो कम क्यों हुई। मैंने आपको 3-4 रीजंस बताए हैं, कॉजेज बताए हैं, टियोलॉजी बताई हैं कि इन इन कारणों से माउथ ओपनिंग कम हो सकती है। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना सकते पेशेंट के। इसीलिए जब भी आप मुझसे कंसल्ट करें, ट्राई करेंगे मुझे व्हाट्सएप पे कंसल्ट करें, ताकि हम वन ऑन वन बात कर सकें ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल पे, ताकि ज़्यादा क्लियर हो कि आपको दिक्कत क्या है, उसके लिए आप क्या सोल्यूशन आपको दे सकते हैं। बाकी OSMF से कैंसर नहीं होता है। बार बार एक ही सवाल का जवाब दे दे के मैं आई थिंक मैंने इस सवाल का जवाब ऑलमोस्ट अपनी हर एक OSMF वीडियो में दिया है। OSMF से कैंसर नहीं होता है, या एक प्री कैंसर कंडीशन है, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल को कैंसर हो जाता है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में कैंसर नहीं होता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जिनका मुंह अभी थोड़ा सा बंद हो रहा है उनको घबराने की बात नहीं है, जिनका मुंह टोटली बंद हो चुका है, वो मलिग्नेंसी की स्टेज की तरफ जा रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत है, बाकी लोगों को उतना घबराने की जरूरत नहीं है। और जब आप इंटरनेट पर अपने सिम्टम्स सर्च करते हैं तो वो एंड में आपको कैंसर ही बताता है, इसलिए इंटरनेट सर्च ना करें, अपने माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, किसी अच्छे डेंटिस्ट से मिले, अच्छे डॉक्टर से मिले,
और अपना चेकअप कराएं, डायग्नोसिस कराएं कि आपको दिक्कत क्या है। इसके अलावा किसी भी डेंटल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, शिकायत हो, डाउट हो, सवाल हो, उसके लिए आप उसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन सबसे अच्छा ये होगा कि आप उसे वन ऑन वन बात कर पाए ऑन वीडियो कॉल, ताकि मैं आपकी कंडीशन देख पाऊँ। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द रिसेप्ट। सी यू टुमॉरो।